दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों कल पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच बेहतरीन मुकाबला खेला गया। दोस्तों मैं आइए इस मैच के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुंबई ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मैच के अगर बारे में बात करें तो यह मैच बेहद ही रोमांचकारी रहा। इसमें पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 198 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। अब आइए बात करते हैं पंजाब किंग्स के द्वारा बनाए गए खिलाड़ियों के बारे में। रनों के ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन ने 50 गेंदों में 70 रन बनाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग की, जिनमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। दोस्तों उसके बाद मयंक अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने 32 गेंदों में 52 रन बनाए। जितेंद्र शर्मा ने नाबाद 15 गेंदों में 30 रन बनाए। दोस्तों आइए बात करते हैं मुंबई इंडियंस के द्वारा बनाए गए रनों के बारे में। मुंबई इंडियंस जैसा कि अपने खेल के लिए जानी जाती है, और डेवाल्ड वेविस ने 25 गेंदों में 49 रन, सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 30 गेंदों में 43 रन। अब आइए बात करते हैं उसके बाद आउट होने के बाद आए तिलक वर्मा ने 20 गेंदों में शानदार 36 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बॉलिंग करने के लिए कल रबाडा ने काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। वेसिल थम्पी ने 47 रन देकर के 4 विकेट फेंके और 2 सफलता इनके नाम रही। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर फेंके, 28 रन दिए और 1 सफलता इनके नाम भी रही। मॉर्गन अश्विन की बात करें तो 4 ओवर में 34 रन दिया और 1 सफलता इनके भी नाम रही। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर बात करें कल के मैच की, तो कल के मैच में पंजाब किंग्स को 12 रनों से जीत मिली और यह मैच बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रोमांचकारी मैच रहा। दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की अपडेट और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों कल पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच बेहतरीन मुकाबला खेला गया। दोस्तों मैं आइए इस मैच के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुंबई ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद में पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मैच के अगर बारे में बात करें तो यह मैच बेहद ही रोमांचकारी रहा। इसमें पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 198 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। अब आइए बात करते हैं पंजाब किंग्स के द्वारा बनाए गए खिलाड़ियों के बारे में। रनों के ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन ने 50 गेंदों में 70 रन बनाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग की, जिनमें 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। दोस्तों उसके बाद मयंक अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने 32 गेंदों में 52 रन बनाए। जितेंद्र शर्मा ने नाबाद 15 गेंदों में 30 रन बनाए। दोस्तों आइए बात करते हैं मुंबई इंडियंस के द्वारा बनाए गए रनों के बारे में। मुंबई इंडियंस जैसा कि अपने खेल के लिए जानी जाती है, और डेवाल्ड वेविस ने 25 गेंदों में 49 रन, सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 30 गेंदों में 43 रन। अब आइए बात करते हैं उसके बाद आउट होने के बाद आए तिलक वर्मा ने 20 गेंदों में शानदार 36 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बॉलिंग करने के लिए कल रबाडा ने काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। वेसिल थम्पी ने 47 रन देकर के 4 विकेट फेंके और 2 सफलता इनके नाम रही। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर फेंके, 28 रन दिए और 1 सफलता इनके नाम भी रही। मॉर्गन अश्विन की बात करें तो 4 ओवर में 34 रन दिया और 1 सफलता इनके भी नाम रही। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर बात करें कल के मैच की, तो कल के मैच में पंजाब किंग्स को 12 रनों से जीत मिली और यह मैच बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रोमांचकारी मैच रहा। दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की अपडेट और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।